दोस्तों अभी आपने देखा यहाँ पर एक छोटी सी साउंड टेस्टिंग, जो कि यहाँ पर चार टॉप हैं हमारे जो अहूजक हैं और दो डुअल बेस हैं जो कि अहूजक हैं। दोस्तों आज की वीडियो में यहाँ पर हम बात करने वाले इन चार टॉप और दो बेस के प्राइस और साथ में इसका और भी अभी साउंड टेस्टिंग सुनाने वाले हैं। और दोस्तों इसमें हम एम्पलीफायर कौन सा यूज़ कर सकते हैं जो हमारे लिए काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस करें, हमारे लिए बेस्ट हो। यहाँ पर दोस्तों दो एम्पलीफायर हमारी होने वाली, वो भी अहूजा ही ब्रांड की होने वाली। यहाँ पर दोस्तों कौन कौन सी एम्पलीफायर को हम यूज़ कर सकते हैं कि ये काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस करे और लॉन्ग टाइम तक चले। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो ये अहूजा के टॉप हैं जो कि SPX 1210 हैं। दोस्तों इनका अभी हम प्राइस जानने वाले हैं, इसका प्राइस क्या होने वाला है, सारा कुछ डिटेल्स इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो उससे पहले दोस्तों आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जोर दबा देना, क्योंकि मैं अगली वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा साउंड टेस्टिंग आपको सुना देते हैं। दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले हमने ले रखा है अहूजा का बेस जो कि SWX 2600 है। और दोस्तों इसका हम सबसे पहले प्राइस और सब कुछ डिटेल्स जानेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले थोड़ा सा इसका स्पेसिफिकेशन जान लेते हैं। दोस्तों ये आपको जो डुअल बेस देखने को मिलता है ये 26 वाट का RMS पावर देखने को मिलता है और 52 वाट आपको प्रोग्राम पावर देखने को मिल जाएगा। दोस्तों यहाँ पर हम बात कर लेते हैं फ्रीक्वेंसी रिस्पांस की, यहाँ पर 35 से लेकर 2000 हर्ज तक देखने को मिल जाता है। और जहीं SPL की बात करें दोस्तों 102 dB देखने को मिल जाता है और मैक्स रेटेड SPL की बात करें तो 135 डेसिबल देखने को मिलेगा। और दोस्तों इम्पीडेंस की बात करें ओम्स यानी कि तो ये आपको 4 ओम में आपको देखने को मिल जाता है। अब दोस्तों वेट की बात कर लेते हैं, वेट यहाँ पर आप लोगों को दोस्तों 105 kg का देखने को मिलेगा जो कि काफ़ी भड़कीला और भारी देखने को मिल जाता है। दोस्तों यहीं पर हम प्राइस की बात कर लेते हैं इसका कि इसका प्राइस क्या है। दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को ऑनलाइन प्राइस की बात करें तो ऑनलाइन प्राइस आपको 59,730 देखने को मिल जाएगा। अब दोस्तों आपको हम बता दें ऑफलाइन अगर आप लेते हो तो आपको उससे भी सस्ता देखने को मिल जाएगा। अप्रॉक्स आपको हम बता दें इसका प्राइस आपको 50,000 के अप्रॉक्स ये आपको हर मार्केट में देखने को मिल जाएगा। दोस्तों उसके बाद आ जाता है हमारे चार टॉप जो कि अहूजा के हैं। यहाँ पर हम दोस्तों चार टॉप का हम प्राइस जानेंगे। चार टॉप यानी हमारा जो इसका मॉडल नंबर की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों मॉडल नंबर इसका SPX 1210 है और वेट की बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर 69.80 kg देखने को मिल जाता है। और ये दोस्तों टू वे आपको देखने को मिलेगा। अगर आपको नहीं पता कि टू वे, थ्री वे और वन वे किसे कहते हैं, दोस्तों आपको बता दें कि जिन स्पीकर में यहाँ पर एक स्पीकर लगा हो उसे हम वन वे कहते हैं, अगर यहाँ पर टू स्पीकर लगाओ तो उसे हम टू वे कहते हैं, अगर तीन स्पीकर लगाओ वहाँ पर थ्री वे कहते हैं। तो दोस्तों ये टू वे स्पीकर्स है, सॉरी टू वे बॉक्स है, इसमें दो स्पीकर्स लगे हुए हैं। फ्रीक्वेंसी की बात करें यहाँ पर दोस्तों आपको 35 से लेकर 20,000 हर्ज तक देखने को मिलेगा। और यहाँ पर SPL की बात करें तो आप लोगों को 103 डेसिबल देखने को मिल जाता है। और मैक्स SPL की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को 133 डेसिबल देखने को मिल जाता है। और दोस्तों यहीं पर इम्पीडेंस की बात करें तो यहाँ पर आपको 4 ओम में आपको देखने को मिल जाएगा। अब दोस्तों प्राइस की बात कर लेते हैं, इसका प्राइस रेंज क्या होता है। दोस्तों जैसा कि आपको बता दें यहाँ पर हर मार्केट के प्राइस अलग अलग होते हैं, कहीं पर कम तो कहीं पर ज़्यादा आपको देखने को मिल जाता है। फिलहाल आपको बता दें यहाँ पर आपको 72,000 रुपये का पेयर देखने को मिल जाएगा, यानी कि हमारा जो टॉप है वो 1,44,000 में लगभग आपको कंप्लीट देखने को मिल जाएगा। हर मार्केट में आपको इतने प्राइस के रेंज में आपको देखने को मिल जाता है। अब चलिए हम दोस्तों नज़र डालते हैं एम्पलीफायर्स के ऊपर कि हमारी एम्पलीफायर्स कौन कौन सी होने वाली हैं और हम बेस के लिए और टॉप के लिए कौन सी एम्पलीफायर यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर हम बेस चलाने के लिए यहाँ पर हमने अहूजा का LXA 7600 ले रखा है। यहाँ पर दोस्तों ये 4 ओम में 26 वाट का RMS पावर देता है, तो हमारे जो बॉक्स हैं वो भी 4 ओम के हैं, तो यहाँ पर काफ़ी अच्छे मैचिंग देखने को मिल जाती है। यहाँ पर दोस्तों कनेक्शन की बात करें तो यहाँ पर कनेक्शन आप सभी भाइयों को सिंगल चैनल पर
एक बेस चलाना है और दूसरे वाले चैनल पर आपको दूसरा वाला बेस चलाना है। यहाँ पर दोस्तों एक एम्पलीफायर से यहाँ पर दोनों डुबल बेस हमारे चल जाएंगे और रिस्पांस की बात करें तो काफ़ी तगड़ा आपको रिस्पांस देखने को मिलेगा इस डुबल बेस से। दोस्तों यहाँ पर हमने लिखा है चार टॉप के लिए यहाँ पर अहूजा का एलेक्से 6000। दोस्तों आपको हम बता दें एलेक्से 6000 अगर आप यूज़ कर सकते हो तो यहाँ पर आपको दोस्तों काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिल जाता है। जैसा कि दोस्तों आपको बता दें 4 ओम में यहाँ पर 2000 वाट का रमेश पावर देता है और जो हमारे ये बॉक्स हैं 4 ओम्स के हैं और दोस्तों आपको बता दें ये बॉक्स काफ़ी अच्छा और बेहतरीन यहाँ पर परफॉर्म करने वाले हैं। अब दोस्तों आपको बता दें कि ये अगर आप डीजे सेटअप कहीं भी ले जाते हो तो अहूजा का डीजे सेटअप ये काफ़ी ताबड़तोड़ चलेगा और यहाँ पर काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस आपको देखने को मिल जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर आप सिंगल वाले चैनल पर आप 2 टॉप यूज़ कर सकते हो और डुबल वाले चैनल पर आप 2 टॉप यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर दोस्तों आपको काफ़ी अच्छा रिस्पांस देखने को मिल जाएगा। अहूजा के एलेक्से 6000 की बात करें यहाँ पर प्राइस की तो आपको अप्रॉक्स प्राइस 55000 में यहाँ पर हर मार्केट में आपको देखने को मिल जाएगा ये एम्पलीफायर, ठीक है। और यहीं पर दोस्तों अहूजा का एलेक्से 7600 की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों 60 से 65 हज़ार के अप्रॉक्स में हर मार्केट में आपको देखने को मिल जाएगा। दोस्तों हर मार्केट प्राइस अलग होते हैं। दोस्तों यहाँ पर आज की वीडियो में आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों अगर वीडियोस पसंद आते हैं तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जोर दबा देना। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।